हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन 25H2 ISO फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे उसे इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हर स्टेप को आप ध्यान से फॉलो करिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन 25H2 क्लीन विंडोज इंस्टॉल करने से पहले आप बैकअप ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप इजीली बैकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ISO फाइल डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ UUPdump.net और सिंपली एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और टॉप में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेप चैनल, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे विंडोज 11 के ISO फाइल लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन। आप जब डाउनलोड करें तो वहाँ पे वर्जन चेंज भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे यही वर्जन शो हो रहा है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशन चॉइस करना है, कौन से आपको एडिशन चाहिए। तो मुझे केवल विंडोज प्रो चाहिए, तो मैं इसे टिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग अपडेट्स, इसके आपको टिक रहने देना है, क्योंकि ये विंडोज स्क्रिप्ट फाइल से डाउनलोड होगा, डायरेक्ट सर्वर से डाउनलोड होगा। ये होने के बाद सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और ये देखिए फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जिप फाइल देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, और ये देखिए मुझे फाइल एक्सट्रैक्ट करके मिल चुका है। उसके बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद शो पे क्लिक करना है, फाइल नेम एक्सटेंशन आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो रहा है, सिंपली आपको इस पे राइट क्लिक करके रन हैज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, रन एनीवे करना है और यस कर देना है। तो देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको आर प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है और ये देखिए ISO फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है। आपको ये प्रोसेस को कम्प्लीट होने देना है। ISO फाइल डाउनलोड होने में टाइम लेगा और मैं बता दूं ये आपके डायरेक्ट विंडोज सर्वर से डाउनलोड होगा, तो इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने देना है, आपको वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 50 मिनट वेट करने के बाद ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे विंडोज 11 के ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है, लेटेस्ट वर्जन 25H2। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके इसके रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो बूट करने में। तो मैं इसे टाइप नाम दे देता हूँ 25H2 और इस पे आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके फाइल को माउंट भी कर सकते हैं और इसे आप पेन ड्राइव में बूटेबल पेन ड्राइव भी बना सकते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, रूफस। तो मैं ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ रूफस और टॉप में आपको देखने को मिलेगा रूफस, इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको इसे लेटेस्ट वर्जन आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे रन करने से पहले आपको अपने पेन ड्राइव को पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जिस पेन ड्राइव को आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद सिंपली आपको इस पे राइट क्लिक करना है और रन हेड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पेन ड्राइव आप कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तब मुझे यहाँ पे ISO फाइल को सिलेक्ट करना होगा, तो मैंने जो डाउनलोड किया उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर ये रहा फाइल, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ISO फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको स्टार्ट कर देना है और ओके कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। और ये देखिए आपके फॉर्मेटिंग कर रहा है पेन ड्राइव को और उसे बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको वेट करना है ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली इसे आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पेन ड्राइव में जाके देख सकते हैं, तो देखिए ये पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपली आप मुझे इस पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और बूट मेन्यू में जाना होगा। तो मैंने पीसी को रीस्टार्ट करके बूट मेन्यू में आ चुका हूँ, तो मैं वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कोई भी की प्रेस कर देना है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे विंडोज 11 आपको शो हो रहा है, देख रहे हैं, और टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की अभी नहीं डालना है, बाद में करना है ये। तो आई हैव डोंट प्रोडक्ट की आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशन सिलेक्ट कर लेना है, कौन से आपको एडिशन चाहिए। तो मुझे विंडोज 11 प्रो चाहिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको पार्टीशन देख लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लीन विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रेश विंडोज है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल विंडोज है तो उसे आपको डिलीट करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो सिंपली आपने पार्टीशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करिए, उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये देखिए विंडोज 11 इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुका है, तो आपको वेट करना है, ये प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है। उसके बाद आपको यस करना है और यहाँ पे यस करना है, उसके बाद इसे स्किप कर देना है और यहाँ पे अपने पीसी के कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पर्सनल चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और ये फाइल डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो अब आपको यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल के लॉगिन कर लेता हूँ।
उसके बाद मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा पिन को, तो मैं यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, उसके बाद मैं ये नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जितने पीसी है आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना है, तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, न्यू पीसी पे सेटअप पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसे स्किप कर देता हूँ, और इसे भी मैं स्किप कर देता हूँ, और इसे भी मैं नॉट नाउ करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसे मैं स्किप कर देता हूँ। तो फिर देखिए विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन 25H2 इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसे मैं प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विंडोज आर विनवेयर और इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज लेटेस्ट वर्जन 25H2 इंस्टॉल हो चुका है। और आपको यहाँ पे ड्राइवर भी चेक कर लेना है, तो यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेना है कि आपका ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो रेड ट्रायंगल होगा और यहाँ पे रेड से आपको शो हो जाएगा, तो आपको ये ड्राइवर चेक कर लेना है। और विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन 25H2 में क्या क्या नए फंक्शन मिलता है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। किस तरह विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन ISO फाइल डाउनलोड करके कैसे क्लीन विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।